सारा प्रणाम, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन। हम इस वक्त है पुणे के तुलसी बाग में। आप देख सकते हो किस तरह से ये पूरा चहल पहल वाला इलाका है और चुनाव सर पर है। यहाँ पर लोग अपनी खरीदारी करते आ रहे हैं। पुणे का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये क्या राय रखते हैं इस आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि वो चुनाव पर अपनी क्या राय रखते हैं। आप बताइए, चुनाव पर आपको क्या लगता है? सरकार ने काम किया है, मोदी सरकार ने नहीं किया है, किसकी हवा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैं यही कहता हूँ, मोदी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी किया है और पब्लिक को उसका तकलीफ हो गया है और वापस महंगाई इतना बढ़ाया है, उसके वजह से लोग परेशान हो गए। जो कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस ने अच्छे अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे अनाज दिए, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, अच्छे अच्छे महंगाई कम किया है। फिर मोदी सरकार का कोई फायदा नहीं, वो खुद के वास्ते वो कर रहा है। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे देश के लिए, कौन होगा एक अच्छा प्रधानमंत्री? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, वही उनको एक बार फिर से चांस देना चाहिए। उन्होंने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ काम उनसे रह गए हैं तो वो 5 साल और करेंगे, और जो कुछ उन्होंने योजना लाई है तो वो योजना सफलता होने के लिए और कुछ समय देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी को हम फिर से एक बार वोट कर इलेक्ट करके प्रधानमंत्री बना दिए। आप क्या राय रखते हैं, बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए एक्चुअली, एक 5 साल उनको देना चाहिए चांस। देश की जो सुरक्षा का मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि कौन ये जो देश की सुरक्षा है इस मुद्दों पर काम कर सकता है, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? आप महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर है, बोलिए। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं कि तकलीफ होगी दुनिया देश को, ऐसा तो नहीं कुछ किया, तो कुछ अच्छा ही किया है। तो क्या क्या अच्छा किया है लगता है आपको? उन्होंने पहले तो अभी पुलवामा अटैक का ये बदला लिया अपना, और ऐसा इतना भी बुरा नहीं किया, क्योंकि ऐसे बस जब क्या बोलते उसको परदेश जाके उन्होंने फ्रेंड्स यानी संबंध बनाए दूसरे देशों के साथ, सबके साथ अच्छा ही किया उन्होंने। और ऐसा तो नहीं कि कुछ उनके करप्शन के बोलते, ऐसा भी नहीं है, उनकी प्रतिमा वो साफ है। कुछ भी हो, किया तो अच्छा किया, जो किया अच्छा किया, बुरा तो नहीं किया। आप बताइए साहब, मोदी जी पंतप्रधान होना चाहिए, क्या कौन लगता है आपको प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छा होगा? शरद पवार लगते हैं, क्या वजह है? उनको बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो। उनकी पार्टी तो उतनी सत्ता में है नहीं, है नहीं, लेकिन उनको दिमाग इतना अच्छा है कि सबसे वो हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ युवा वर्ग है हमारे साथ में, आप बताइए कौन लगता है आपको इस चुनाव में देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? मोदी। क्या वजह है? बिकॉज उन्होंने इंडिया के बाहर बहुत कुछ किया है, लाइक इंडिया को रिप्रेजेंट बहुत किया है, या यूथ के लिए भी बहुत कुछ किया है। यानी राहुल और मोदी, इनमें से आप किसको अच्छा नेता मानती है, कि कौन देश के लिए एक अच्छा प्रधानमंत्री साबित हो सकता है? मोदी। क्या कौन से वो नीतियाँ हैं मोदी जी की जो आपको पसंद आई? जीएसटी छोड़ के सब कुछ। तो आप इस बार पहली बार वोट करेंगे? हाँ। और वोट करने वाले हो? या। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जी, देखिए चुनाव सर पर है, कौन लगता है आपको लिए आपको कि देश के लिए अच्छा प्रधानमंत्री साबित होगा? मोदी सर। मोदी जी। क्या वजह है? नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है आप देश के लिए। जी जी, आप बताइए साहब। सब काम अच्छा है उनका, इसलिए मोदी चाहिए, मोदी प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री चाहिए। और क्या क्या लगता है आपको मोदी सरकार ने अच्छे फैसले लिए जो जनता के काम में आए? सब फैसला अच्छे लिए है ना, इसलिए उनको मतदान करेंगे, उनको ही मतदान करेंगे। मोदी जी को फिर से एक मौका देना चाहिए ऐसे लगता है, और वो उसका वजह क्या है? देना चाहिए मोदी को, और एक मौका देना चाहिए उसके लिए। और जी आप बताइए। नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है, देश के विकास के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, व्यापारी लोगों के लिए भी अच्छा काम किया है। एक बार आना चाहिए, फिर से आना चाहिए, देश का विकास अच्छा होगा। मोदी जी के प्रतिस्पर्धा में, चुनाव में, टक्कर में कोई नहीं है ऐसा आपको लगता? टक्कर में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। वैसा तो राहुल गांधी भी टक्कर में है, पर वैसा कुछ होगा नहीं कुछ। मोदी जी वन स्ट्रोक आएंगे, मैं जाएंगे, और आने चाहिए, देश के लिए अच्छा है, देश का प्रगति होगा। देश अगर नहीं आते हैं तो देश पीछे चला जाएगा फिर से।
बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने और अच्छा होगा अगर मोदी जी आ गए तो बहुत अच्छा काम होगा। आप बताइए कौन बन सकता है अच्छा प्रधानमंत्री देश के लिए? मोदी जी। क्या वजह? क्योंकि वो देश के लिए अच्छा विकास करेंगे। विकास करेंगे ऐसा लगता है। महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं लाई उन्होंने खास? हाँ जी। चुनाव में इस बार कौन लगता है आपको देश के लिए एक अच्छा प्रधानमंत्री होगा? मोदी जी। क्या वजह? क्योंकि मोदी जी ने जो आज तक 70 साल में जो घान करके रखी है इन लोगों ने, कांग्रेस बोलो या कौन से भी बोलो, जो उन लोगों ने घान करके रखी है वो साफ करते करते वो अभी तक यहाँ तक पहुँचे। और अपन लोगों का काम है कि अपन ने उनको थोड़ा और समय देना चाहिए, क्योंकि 70 साल की घान एक दिन में नहीं या एक साल में या 5 साल में नहीं कर खत्म हो सकती है। फिर भी बहुत सारी उन्होंने घान साफ करे भी है। बहुत तो अपन लोगों ने ना इतना अपन ने सोचना है। और अगर अपने बाल बच्चे सुखी रहने चाहिए या अपने को लगता है उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए तो मोदी जी को ही चुन के लाना चाहिए लोगों ने। जी आप क्या राय रख रही है? सही है। आज 5 साल में कितना बदलाव किया है। पहला तो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, गंगा नदी साफ की, और बाकी और रहे करप्शन तो टोटली बंद ही करवा दिया। अभी लोगों को, दूसरे लोगों को, गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं जो करप्शन करने वाले थे उनको भी खाने को नहीं मिल रहा है। गरीब जनता देर से सही नहीं, यहाँ पे कैसा है, तुम भी खाओ हम भी खा रहे हैं, सब मिलके खाओ 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 भाई भाई, ये था। अभी उन लोगों ने उतना तो भी बहुत किया है कि बहुत अपन नहीं खा सकते, लोग खुल के नहीं खा सकते। भ्रष्टाचार काम किया है ऐसा लग रहा है इनको। आप बताइए आपको लगता है मोदी जी ने भ्रष्टाचार काम किया? उन्होंने कुछ हद तक अच्छे दिन लाए भी है। हाँ ऐसा तो नहीं की बहुत, हाँ कुछ हद तक तो लाए। अभी इतना अकेले तो कुछ नहीं कर सकते और उनको, हाँ लेकिन अच्छे दिन लाए उन्होंने, कुछ हद तक लाए कुछ परसेंटेज। जी आप बताइए क्या लगता है आपको कौन होगा अच्छा प्रधानमंत्री? मोदी तो नहीं अच्छा हो नहीं सकता। तो कौन चाहिए? राहुल गांधी को भी चांस लेना चाहिए। आपको कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए? क्योंकि जो किसान लोग है ना, इतनी हालत 50 साल में कोई भी व्यक्ति की नहीं हुई, इतनी अभी हुई है ये बीजेपी सरकार में। अरे मैं बोलती हूँ देखो, आप किसान लोगों है ना, जो ये माता है अपनी, इसमें अगर आप 100 रुपए डालेंगे तो वो माता आपको 105 रुपए देने ही वाली है। क्योंकि मैं भी किसान की एक लेडीज हूँ, हमारे घर में भी खेती है। वो कुछ नहीं, ये किसान लोग है ना बुरी बुरी आदतों की वजह से परेशान होके आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। चुनाव में इस बार आपको लगता है कौन अच्छा नेता बन सकता है? नरेंद्र मोदी, एब्सोल्युटली नरेंद्र मोदी। कहाँ से आप? इधर से पुणे। और क्या काम किए हैं सरकार ने ऐसा लगता है आपको जो देश के हित में है अच्छे? पहले तो नोटबंदी और दूसरा तो पुलवामा, वो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, कश्मीर वही। चलिए आप देखते हैं, और जगह जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों की राय लेते हैं कि कौन इनके लिए लगता है कि एक अच्छा कारीगर प्रधानमंत्री देश के लिए साबित हो सकता है। सर बताइए कौन अच्छा प्रधानमंत्री देश के लिए बन सकता है? अरे कोई आए मैडम, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मोदी आए या राहुल गांधी आए, आम जनता को कुछ नहीं पड़ा, नेता लोग को, आम जनता। आप क्या करते हैं? मैं से होटल है मेरा। और क्या लगता है आपको, किसी सरकार ने कोई अच्छी नीतियाँ नहीं लाई? नहीं किसी सरकार ने नहीं लाई। लेकिन आप चुनाव में वोट डालेंगे जरूर? हाँ डालेंगे ना, वो अपना अधिकार है ना। चुनाव के बारे में जनता यहाँ पर अपनी राय रख रही है। आपने देखा है कि आपने यहाँ पे देखा है कि लोग बात कर रहे हैं। जी आप बताइए चुनाव में इस बार क्या हो सकता है, कौन बन सकता है देश के लिए अच्छा प्रधानमंत्री, और कौन से मुद्दे रहेंगे जो जनता के लिए जरूरी है? अभी नया पीढ़ी में क्या मोदी सरकार अच्छा है, क्या क्या अच्छा किया लगता है उन्होंने? आप जो जितना जान नहीं सकता मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अभी सबकी सबसे अच्छा है लगता है। हाँ यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में बताइए सर, कौन से मुद्दे होंगे चुनाव में जिनकी चर्चा होगी, कौन होगा देश के लिए अच्छा प्रधानमंत्री? अच्छा एक ही मोदी, बस मोदी सरकार अच्छे है। और सब सारे जितने चीज डेवलपमेंट्स करते हैं वो हलू हलू चालू है। कांग्रेस के राज्य में इतने डेवलपमेंट्स नहीं होते थे, चोर होते थे, सब पूरा पैसा खा जाते थे। लेकिन राहुल गांधी तो आए दिन बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। वो कुछ भी बोलने दो,
बच्चा है, बच्चा बोलेगा कुछ भी बोलेंगे तो अपन ध्यान देंगे क्या? बच्चा है, संभालने का छोड़ देने का बाजू में, अपना अपना काम चालू रखने का, आपका गलत है क्या बराबर है बताओ आप मेरे को? बच्चा कोई भी कुछ भी बात करने दो, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देते नहीं और देंगे भी नहीं, अपना काम चालू रखने का, देश का भला करने का बस। देश का कौन सा भला कर रहे हैं मोदी जी आपको लगता है? जी सारे मीडियम क्लास और जो भी बीच में जो लोग जो है नीचे वाले भी खेती किसान लोग जो, उनके लिए हलू हलू डेवलपमेंट एक झटके में नहीं होता, 5 साल में ही होएगा नहीं, और 5 साल देना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होंगे और तरक्की एक प्लेटफॉर्म पूरा हो गया है, उसमें ज़्यादा पैसा आ रहा है, GST के हिसाब से पैसा जमा हो रहा है, पहले लोग पैसा नहीं जमा करते थे, इनकम टैक्स भरते नहीं थे लोग, मालूम है आपको? अभी हलू हलू भरते लोग, पैसा डेवलपमेंट के लिए लगता है, देश के लिए लगता है, अपन खुद भरना मांगता है। यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं, उनकी राय लेना जरूरी है। जी बताइए, इस बार कौन सी सरकार आ सकती है ऐसा आपको लगता है और क्या काम? मोदी, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी। कपड़े आवे, लेकिन राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं राफेल की, ये वो, क्या राय है अपने? मोदी जी आप बताइए, कौन सर, किसकी सरकार आ सकती है? मोदी की। क्या वजह? क्या अच्छे काम कर रहे हैं? कौन से काम? बहुत अच्छे काम किया उन्होंने, हाँ, मेट्रो बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, अच्छा है। मतलब आपको पुणे शहर में दिख रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है? दिख रहा है ना मैडम, आंखों से दिख रहा, पब्लिक को दिख रहा है मैडम, बोलना नहीं पड़ता, दिल से करते पब्लिक। किसकी सरकार आएगी फिर से ऐसा लगता है आपको? मोदी का। क्या वजह? मोदी, मोदी अच्छा कर रहे हैं, मोदी का सरकार ही होना चाहिए, और अभी तक कांग्रेस ने क्या किया? अपना भारत 11वें स्थान पे, अभी 6वें स्थान पे हो गया है, तो इसलिए मोदी मोदी है तो सब ठीक है। लेकिन राफेल की बात करते हैं, राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, 75,000 हर जनता के इस खाते में आएंगे ऐसी बात कर रहे हैं, सब झूठ है। आपको लगता है चुनावी जुमले? हाँ से चुनाव के लिए कर रहे हैं ना, और कभी जिंदगी में तो ऐसा बोले ही नहीं, 72,000 जाएगा साल का, कभी बोले राहुल गांधी ने? मोदी आया, मोदी के बराबर लड़ाई कर रहे, इसलिए वो ऐसा बोलने का कोशिश किया, ये चुनाव के मुद्दे पे कर रहे हैं। जी बोलिए, आपको क्या लगता है चुनाव में कौन सी सरकार अच्छी होगी देश के लिए? भाजपा, मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्या वजह, कौन से काम वो आपको लगते हैं अच्छे किए? सभी काम अच्छे किए उन्होंने, सभी काम अच्छे किए। आम जनता को लगता है कि अच्छे काम किए? अच्छे किए, और मोदी घर घर मोदी है। राफेल की बात होती है, राहुल गांधी कई सारे वादे कर रहे हैं, वो तो कई साल से करते जा रहे वादे, कई साल से वादे सुन रहे उनके, तो वादे ही से बाकी कुछ नहीं है। आप बताइए साहब, मोदी की सरकार आएगी, सिर्फ मोदी, मोदी एंड मोदी, वी वांट ओनली मोदी। कौन सी सरकार देश के लिए अच्छी हो सकती है? बीजेपी। बीजेपी सरकार, क्या वजह लगती है? अभी तो अच्छा विकास कर रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 5 साल में क्या हो तो नहीं सकता ना, पहले कांग्रेस की थी, 10 साल हो गए अभी के। लेकिन राहुल गांधी आए दिन उन पर कई सारे आरोप कर रहे हैं, राफेल का मुद्दा उठा रहे, सारे मुद्दे उठा रहे, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे, क्या आपको लगता है? और वादे भी कर रहे हैं, अभी तक तो बहुत वादे किए पर पूरे का किसने किए? तो मोदी सरकार ने वादे पूरे कर रही है सरकार? करेंगे ना, आराम से करेंगे, 5 साल में तो पूरे वादे पूरे नहीं हो सकते ना, टाइम लगेगा ना, उनको है ना 60 साल से उनके साथ 5 साल करके ना, उन्होंने क्या किया? जी साहब आप बताइए, आप बताइए इस बार सरकार कौन सी अच्छी होगी जो देश के हित में होगी? मोदी सरकार ही अच्छी होगी, क्योंकि 5 साल में जो इतना बदलाव हुआ है उसका कारण ही मोदी सरकार है, और मोदी सरकार आगे 10 साल रहेगी ऐसे पूरी जनता की भावना है, क्योंकि 5 साल में इतने जो बदलाव किए हैं तो 10 साल में कितने हो जाएंगे? आज हर छोटे बच्चे को मालूम है कि पंतप्रधान कौन सा है, पिछले 50 सालों में अपना कौन सा पंतप्रधान है ये भी किसी को, छोटे बच्चे को मालूम नहीं था, लेकिन अभी जो पंतप्रधान क्या होता है, और पंतप्रधान को ए पंतप्रधान वो पंतप्रधान ऐसे नहीं बोलते, पंतप्रधान को आप ऐसे जो आदरयुक्त बोलते हैं वैसे राजा की तरह बोलते हैं, अभी वो पंतप्रधान ऐसे ही होना चाहिए जो छोटे बच्चे तक उसका कार्य का ज्ञान जाना चाहिए, तो मोदी सरकार ही अच्छी है सब जनता के लिए और सब छोटे बच्चों के लिए, कुछ कार्य के लिए, कार्य तो अच्छा ही होगा अभी आगे से, और मोदी सरकार ही अच्छी। आप बताइए सर, आप क्या राय रखते हैं इस बार चुनाव में? भारत को नशा मुक्त बनाना है, नशा मुक्त मतलब न का मतलब है नरेंद्र मोदी और शाह का मतलब है अमित शाह, आप ये बात आपको पूरे को समझ में आई होगी। आप बताइए किसको चाहते हैं सरकार? राहुल गांधी। राहुल गांधी, क्या वजह? हाँ, यू कैन नॉट बंदी की वजह से
जो धंधे में इफेक्ट हुआ है और लोगों को परेशानी हो गई, इसके लिए राहुल गांधी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या काम किए हैं सर देश के लिए? तो देश के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक आम जनता की राय थी, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो यहाँ पर आए हैं और चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं हमसे। आप बताइए, चुनाव में आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्या वजह? क्या वजह क्या है, अभी कितना महंगा हो गया है और राशन के दाने सब महंगा बंद कर दिया है। हाँ, सब बंद कर दिया है, क्या करने का गौर गरीब ने, क्या करने का? पीला कार्ड और रहता था वो बंद कर दिया है, राशन सब बंद कर दिया है, क्या करने का? यहाँ पर देख रहे हो कि ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, एक आम जनता है जो चुनाव के बारे में अपनी राय बिल्कुल बेबाकी से रख रही थी। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी उनको अगले प्रधानमंत्री के तौर पर चाहिए और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोगों ने राय रखी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि ये जनता जब इस महीने में चुनाव में अपना मतदान डालेगी और किसको चुनकर लाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय नरेंद्र मोदी के हक में थी। इस समय पुणे से कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन।